महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद अभी तक नई सरकार का गठन और मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो सका है। वहीं सबके बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अचानक सतारा जाने पर कई सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद आज उन्होंने खुद के सतारा जाने की वजह बताई है। वहीं शिंदे के सतारा स्थित आवास पर किसान उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान रविवार को शिंदे ने अपने गांव सतारा में प्रेस वार्ता करके कहा कि अभी मेरी तबीयत अच्छी है, मैं यहाँ रेस्ट करने के लिए आया था। अभी तबीयत अच्छी है, मैंने एक दिन में 8-8 सभाएं की थी, मैंने अपने कार्यक्रम में कोई छुट्टी नहीं ली। मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में यहाँ जब भी आते हैं तो जनता मिलने आती है। रहा सीएम का सवाल, तो जो माननीय पीएम जो कहेंगे वो हमें मान्य होगा, जो अध्यक्ष जी बोलेंगे पूरी तरह से मान्य होगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। मैंने जो काम किया है, मैंने पहले भी ये बोल दिया था कि जब से सरकार में थे बहुत विकास हुआ महाराष्ट्र का, उसे देखते हुए ही यहाँ की जनता ने विश्वास जताया महायुति में समन्वय है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। रेस्ट करने के लिए अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में, मैं एक एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाते नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं, अभी भी लोग आए हैं मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है, मिलता हूँ मैं लोगों को, और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक सर ऑपोजिशन। और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है, जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी, मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। और स्पष्टता से मैंने कहा, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूँ, और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारी सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2-2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी, ये देखो मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है।